हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मिस्ट्रीज इन हिंदी और उर्दू ऑडियो बुक्स चैनल पर स्पाइडर्स वेब बुक सीरीज का 6th चैप्टर। इस बुक को लिखा है अगाथा क्रिस्टी ने। अब तक की कहानी में आपने सुना, क्लैरिसा और हेनरी हेलशैम के घर पर ओलिवर कॉस्टेलो का मर्डर हो जाता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मिस पीक सीक्रेट पैसेज खोल देती है, जिसमें क्लैरिसा और उसके फ्रेंड्स ने ओलिवर कॉस्टेलो की बॉडी को छुपाया था। पुलिस योगो और जेरेमी से पूछताछ करती है और उसने उन्हें कुशंस के नीचे छुपाए हुए 3 जोड़ी ग्लव्स और एक प्लेइंग कार्ड मिलता है। पुलिस को हैरत होती है कि एस ऑफ स्पेड्स जैसे कार्ड के बगैर वो लोग ब्रिज कैसे खेल रहे थे। अब आगे इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल जोन से कहा, सर रॉलहैंड डेलहाई को भेज दो। कांस्टेबल लाइब्रेरी के डोर पर जाकर पुकारा, सर रॉलहैंड डेलहाई प्लीज़। सर रॉलैंड अंदर आते ही एक मिनट के लिए रुक गया। उसे ब्रिज टेबल पर बिछे 3 ग्लव्स की जोड़ियां दिख चुकी थी। बैठिए सर, इंस्पेक्टर ने ब्रिज टेबल के पास चेयर बताकर कहा। सर रॉलैंड के बैठने के बाद इंस्पेक्टर ने उसका एड्रेस पूछा। सर रॉलैंड ने एड्रेस बताने के बाद रेड मोटी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आपको उसमें मेरा एड्रेस नहीं मिला था इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने उसकी बात का को साफ इग्नोर करके पूछा, क्या बता सकते हैं कि आप शाम को यहाँ 7 बजे से पहले क्या हुआ था? सर रॉलैंड ने बोलना शुरू किया, पूरा दिन बारिश हो रही थी, शाम को मौसम साफ़ हो गया तो हम लोग डिनर के लिए गोल्फ क्लब चले गए। हम डिनर ख़त्म ही कर रहे थे जब मिसिज हेलशैम ब्राउन ने फ़ोन करके कहा कि हम लोग ब्रिज खेलने आ सकते हैं। हम लोग आकर क्लैरिसा के साथ 20 मिनट तक ब्रिज खेल रहे थे, उसके बाद आप आए। बाकी तो सब आपको मालूम ही है इंस्पेक्टर। सर रॉलैंड चुप होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा, लेकिन मिस्टर जेरेमी ने तो कुछ और बताया हमें, इंस्पेक्टर बोला। उसने कहा कि शायद योगो ने चलकर ब्रिज खेलने के लिए कहा था। सर रॉलैंड बोला, जेरेमी डिनर के लिए लेट आया था, उसे ठीक से याद नहीं होगा। आप मिस्टर कॉस्टेलो को किस तरह पहचानते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। ज़्यादा नहीं, मैं उससे सिर्फ 2 ही बार मिला था, सर रॉलैंड बोला। और आप मिस्टर वारंडर को कब से पहचानते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर रॉलैंड बोला, 2 दिन पहले से ही, वो क्लैरिसा का दोस्त है और यहाँ वीकेंड पर आया है। मुझे उसमें कोई ख़ास बुराई नज़र नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि वो मर्डरर है। ठीक है, इंस्पेक्टर टहलता हुआ बोला, आप लोग अपना प्लान चेंज करके वापस क्यों आए और आने के बाद ब्रिज खेलते हुए बताने की कोशिश क्यों की? आपका मतलब हम दिखावा कर रहे थे? सर रॉलैंड ने घूर कर पूछा। इंस्पेक्टर ने अपनी पॉकेट से कार्ड निकालकर बताते हुए कहा, आप लोग ब्रिज के 2 राउंड्स इस कार्ड के बगैर नहीं खेल सकते और मुझे इन ग्लव्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कुशन के पीछे छुपाए गए थे, वो बोला। सर रॉलैंड कार्ड लेकर थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर बोला, हाँ वाकई मुश्किल है ये बिलीव करना कि हम इस कार्ड के बगैर ब्रिज कैसे खेल रहे थे, लेकिन मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं हूँ, वो बोला। मुझे लगता है आप मिसिज हेलशैम ब्राउन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच बाहर आकर ही रहेगा, इंस्पेक्टर बोला। और वो कैसे होगा? सर रॉलैंड ने मजाक उड़ाकर पूछा। इंस्पेक्टर पैनल तक जाकर रुका और बोला, मिसेज हेलशैम ब्राउन को मालूम था कि ये रेसस में एक बॉडी है, या तो वो खुद घसीट कर उसे वहाँ तक ले गई या फिर आप लोगों ने उसकी मदद की थी, वो सर रॉलैंड की तरफ देखता हुआ बोला। ओलिवर कॉस्टेलो यहाँ मिसेज हेलशैम ब्राउन से मिलने आया होगा, या तो उसे वो धमकी दे रहा था या फिर उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा।
आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है इंस्पेक्टर, सर रोलैंड बोला। आपने ही हमें बताया कि ये घर मिस्टर सेलन का था और उसके पीछे नारकोटिक स्क्वाड पड़ा हुआ था। ये आदमी ओलिवर कॉस्टेलो ड्रग्स का डीलर था। हो सकता है वो यहाँ उस डेस्क में कोई मिस्टर सेलन की रखी हुई चीज़ तलाश करने वापस आया होगा, और हो सकता है कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ आकर उसे मार दिया होगा और वो चीज़ उसके हाथ से ले गया होगा। थ्योरी अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा सपोजिशन पर डिपेंड करती है, इंस्पेक्टर ने इम्प्रेस हुए बगैर कहा। और जो कोई उसके पीछे आया होगा उसे उस रिसेस के बारे में भी मालूम होगा, इंस्पेक्टर ने गौर से सर रोलैंड को देखकर पूछा। एग्जैक्टली, सर रोलैंड बोला। फिर भी एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई, इंस्पेक्टर बोला। वो क्या, सर रोलैंड ने पूछा। यही कि मिसेज हेलशैम ब्राउन हमें रिसेस में जाने से क्यों रोक रही थी, इंस्पेक्टर ने पूछा। सर रोलैंड ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर रोक दिया। कोई फ़ायदा नहीं मुझे यकीन दिलाने का कि उन्हें नहीं मालूम था, उसे मालूम था कि बॉडी वहाँ है, इंस्पेक्टर बोला। कुछ मिनट बाद बहुत टेंशन रहा, फिर सर रोलैंड बोला, क्या मैं क्लैरिसा से बात कर सकता हूँ इंस्पेक्टर? ज़रूर, लेकिन हमारे सामने ही बात करना होगा, इंस्पेक्टर बोला। जोन्स, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया। जोन्स उठकर हॉल से क्लैरिसा को बुलाकर लाया। क्लैरिसा माय डियर, सर रोलैंड उसे देखकर बोला, मैं जो कह रहा हूँ वही करो, तुम पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ सच बता दो। सच बता दूँ, क्लैरिसा ने हैरत और बेयकीनी से पूछा। हाँ, सर रोलैंड बोला, अब यही करना होगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सर रोलैंड बोला और हॉल के डोर से बाहर चला गया। तो बताइए मिसेस हेलशैम ब्राउन, सच क्या है, इंस्पेक्टर ने बैठते हुए पूछा। क्लैरिसा भी एक सोफे पर बैठ गई। वो बोली, ये सब कुछ बहुत सिंपल है। पहले ओलिवर कॉस्टेलो आया और 10 मिनट में चला गया। फिर हेनरी आया और वो भी किसी इम्पॉर्टेंट काम से चला गया। फिर मैं किचन में गई सैंडविचेस बनाने के लिए, क्योंकि हेनरी किसी गेस्ट को लेकर थोड़ी देर में आने वाला था। कौन सा गेस्ट, इंस्पेक्टर ने पूछा। गेस्ट का असली नाम कुछ और है, लेकिन हम पब्लिसिटी से बचने के लिए उनका कोड मिस्टर जोन्स रखा है, क्लैरिसा बोली। जोन्स, इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। कॉन्स्टेबल सर उठाकर एक बार घूरा। हाँ, क्लैरिसा मुस्कुराई। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं यहाँ सैंडविचेस लाकर रखने के बाद रूम को ज़रा ठीक कर रही थी, फिर एक बुक उठाकर उस शेल्फ़ में रखने गई तो सोफ़े के पीछे उस बॉडी से टकराकर गिरते गिरते बची, क्लैरिसा बोली। फिर मैंने देखा कि वो ओलिवर कॉस्टेलो की बॉडी है और वो मरा हुआ है, तो मैंने गोल्फ क्लब फ़ोन करके उन तीनों को बुला लिया, क्लैरिसा ने आगे बताया। आपको पुलिस को फ़ोन करने का ख्याल नहीं आया, इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, क्लैरिसा बोली। क्यों, इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने अभी बताया ना आपको, एक फॉरेन डेलीगेट आ रहे हैं, तो फॉरेन से आए हुए लोगों को मीटिंग की प्लेस पर किसी किस्म की गड़बड़ पसंद नहीं होती, और मर्डर तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्लैरिसा बोली। तो आपके बुलाने पर वो तीनों आ गए, और आपके रिक्वेस्ट करने पर वो तीनों उस बॉडी को रिसेस में छुपाने के लिए तैयार हो गए, इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ाकर पूछा। हाँ, क्लैरिसा बोली। वैसे मैंने रिसेस में छुपाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो उन तीनों से उसे मार्सडन के जंगल में उसकी कार समेत पहुँचाने के लिए कहा था, वो बोली। इंस्पेक्टर ने अपना सर दर्द से दबाते हुए कहा, मिसेस हेलशैम ब्राउन, क्या आपको किसी ने भी नहीं बताया कि मर्डर की हुई बॉडी पुलिस के आने तक इधर उधर नहीं कर सकते? हाँ, मुझे पता है, सब डिटेक्टिव स्टोरीज़ में यही बात लिखी होती है, क्लैरिसा बोली, लेकिन ये स्टोरी नहीं, रियल लाइफ है, आप समझ रहे हैं ना, उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा।
इंस्पेक्टर मायूसी से सर हिलाता हुआ बोला, आप जो कह रही हैं वो कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है, आप खुद उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रही हैं। मैं समझ रही हूँ इंस्पेक्टर, मैं आपको सिर्फ सच बता रही हूँ। मैंने क्लब फ़ोन किया और वो तीनों 5 मिनट में पहुँच गए, क्लारिसा बोली। और वो तीनों उस बॉडी को हटाने के लिए मान गए, इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, क्लारिसा बोली, मेरे प्लान के हिसाब से मार्सडन के जंगल तक ले जाने के लिए मान गए थे। मैं एक मिनट के लिए भी यकीन नहीं कर सकता कि 3 रेस्पॉन्सिबल आदमी ऐसी हरकत करने के लिए मान सकते हैं, इंस्पेक्टर क्लारिसा को घूरता हुआ बोला। क्लारिसा खड़ी होकर टहलने लगी। मुझे मालूम था कि आप सच पर यकीन नहीं करेंगे। किस बात पर यकीन आएगा आपको, क्लारिसा ने पूछा। मेरे ख्याल से वो तीनों सिर्फ इस बात पर ऐसा करने के लिए मान सकेंगे अगर उन्हें यकीन होगा कि मर्डर आपने किया है, इंस्पेक्टर बोला। क्लारिसा एकदम शॉक्ड रह गई। मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी, वो बोली। फिर वो गुस्से से आगे बढ़ती हुई बोली, मुझे मालूम था कि आप ऐसा ही सोचेंगे, इसीलिए वो रुक गई। इसीलिए क्या, इंस्पेक्टर ने पूछा। कुछ देर क्लारिसा सोचती रही, फिर वो बोली, मेरे ख्याल से अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा, इंस्पेक्टर स्माइल करके बोला। ये आपको पहले ही करना चाहिए था, पुलिस के सामने इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है। अब आप अपनी सच्ची कहानी बताइए शुरू से। ठीक है, क्लारिसा ब्रिज टेबल के पास एक बड़ी चेयर पर बैठते हुए बोली। तो हुआ ऐसा कि ओलिवर कॉस्टेलो आकर चला गया, फिर हेनरी ने आकर जाकर जाने के बाद मैंने मेन डोर अच्छी तरीके से बोल्ट किया। मैं बहुत नर्वस थी, वो एक फीलिंग के साथ बोली। नर्वस क्यों, इंस्पेक्टर ने पूछा। पता नहीं, अक्सर मैं अकेले रहने से डर जाती हूँ और मुझे लग रहा था कि कुछ ज़रूर होगा, वो बोली। फिर मैं किचन में चली गई सैंडविचेस बनाने। अचानक मुझे किचन में आवाज़ आई, किसी के फूट स्टेप्स की आवाज़। वो ड्रामाई तरीके से रुक गई। कहाँ से, इंस्पेक्टर ने एक्साइटेड होकर पूछा। इसी रूम से, क्लारिसा बोली, ड्रॉर्स के खोलने और बंद करने की आवाज़। मैं डर गई। फिर मैंने सोचा, क्या बेवकूफ़ी है, हेनरी जल्दी आ गया होगा या फिर सर रोलैंड वगैरह क्लब से जल्दी आ गए होंगे। और अगर मैंने जाकर एक्सटेंशन से पुलिस को ये फ़ोन किया तो मैं बिल्कुल बेवकूफ़ दिखूंगी। फिर मुझे एक प्लान आया। और क्या था वो प्लान, इंस्पेक्टर ने बेचैनी से पूछा। मैं हॉल के स्टैंड तक गई और सबसे मजबूत छड़ी लेकर लाइब्रेरी में चली गई। मैंने लाइट्स ऑन नहीं किए, मैंने रास्ता ढूंढ कर रिसेस के डोर तक पहुंच गई। रिसेस में घुसकर मैंने यहां तक ड्राइंग रूम वाले रास्ते तक आई। मैंने सीक्रेट पैसेज का डोर खोला तो सामने उस डेस्क के पास एक साया दिखाई दिया और उसके हाथ में एक चमकीली चीज़ दिखाई दी। शायद वो रिवॉल्वर था। मैं डर गई और छुपी रही। मैं समझी कि वो कोई चोर है, इसीलिए जैसे ही वो सोफे के पास से गुज़रा मैंने उस वज़नी छड़ी से उसे मार दिया। मैं सिर्फ उसे बेहोश करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने लाइट्स ऑन करके देखा तो वो मर चुका था और वो चोर नहीं, कॉस्टेलो था। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कॉस्टेलो वापस क्यों आया। फिर मैंने गोल्फ क्लब फ़ोन करके उन तीनों को बुला लिया। क्लारिसा ने अचानक अपना फेस दोनों हाथों में छुपा लिया और रोई हुई आवाज़ में बोली, क्या मुझे ड्रिंक मिल सकता है प्लीज़। जोन्स, इंस्पेक्टर बोला, ड्रिंक लाओ। जोन्स डाइनिंग रूम की तरफ चला गया। क्लारिसा के ड्रिंक ख़त्म करने के बाद इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या अब आप कंटिन्यू कर सकती है। हाँ,
मैंने उन तीनों से रिक्वेस्ट की कि कॉस्टेलो की बॉडी को मार्स डन के जंगल में छोड़ दे। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्योंकि मैं डर गई थी पुलिस की कार्रवाई और पब्लिसिटी से बचने के लिए। मुझे यही तरीका समझ में आया। और फिर हेनरी के करियर का भी सवाल था, और अगर वो चोर होता तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो हेनरी की फर्स्ट वाइफ का हस्बैंड है, इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ, वो बोली। या शायद आप इसीलिए परेशान हैं कि वो आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा था, इंस्पेक्टर ने पूछा। ब्लैकमेल? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लैरिसा हैरत से चिल्लाई। आपके बटलर एल्गिन ने हमें बताया कि उसने आपको कॉस्टेलो से बात करते हुए सुना, जिसमें आपने कहा कि ये तो ब्लैकमेल है। मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लैरिसा टेबल पर हाथ मारकर गुस्से से बोली। फिर वो अचानक कुछ याद करके हंसने लगी। ओह, अब मुझे याद आया, ओलिवर ने उस घर के किराए के बारे में पूछा था, तो मैंने बताया कि हम सिर्फ 4 पाउंड्स ही दे रहे हैं। तो उसने हैरत से कहा, इतने बड़े और फर्निश्ड घर के 4 पाउंड्स, ये तो ब्लैकमेल है। और मैं भी हंसी और बोली, हाँ ब्लैकमेल ही है। हम दोनों बात करके हंस रहे थे, और सिर्फ ये वर्ड जोक में यूज़ हुआ था और कुछ नहीं, क्लैरिसा बोली। आई एम सॉरी मिसिज हेलशैम, मगर मैं यकीन नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर बोला। क्या यकीन नहीं कर सकते? क्लैरिसा ने हैरत से पूछा। यही कि आप सिर्फ 4 पाउंड्स दे रही हैं इतने अच्छे वेल फर्निश्ड घर के, इंस्पेक्टर बोला। ऑनेस्टली, क्लैरिसा बोली, आप दुनिया में सबसे बड़े बेयकीन आदमी हैं। आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है, ये कहते हुए क्लैरिसा उठी और टेबल के डेस्क को खोलने लगी। वो बोली, लेकिन इस बार मेरे पास प्रूफ है। उसने ड्रॉअर से एक डॉक्यूमेंट निकालकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। इंस्पेक्टर ने जल्दी से डॉक्यूमेंट लेकर देखा, वो किराए के एग्रीमेंट का पेपर था, और उस पर वही अमाउंट लिखा हुआ था जो क्लैरिसा बता चुकी थी, और उस पर 2 वकीलों के साइन भी थे। इंस्पेक्टर हैरत से देखता हुआ बोला, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये, क्योंकि मेरी जान पहचान में एक लेडी यही घर लेना चाहती थी। उसे मकानदार ने 18 पाउंड्स किराया बताया था, और आपको इतने कम में क्यों दे दिया? क्लैरिसा अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ बोली, क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने अपनी आवाज़ को बहुत नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ मुझसे गलती हुई मिसिज हेलशैम ब्राउन, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस को मर्डर के बारे में फ़ोन किसने किया होगा। हाँ ये सचमुच अजीब है, मैं तो उस बारे में भूल ही गई थी, शायद एल्गिन या फिर मिस पीक ने ऐसा किया हो, क्लैरिसा बोली। मिस पीक तो नहीं हो सकती, उसे मालूम ही नहीं था कि कॉस्टेलो की बॉडी यहाँ है और वो कॉटेज में रहती है, इंस्पेक्टर बोला। उसके पास इस घर के सब दरवाज़ों की कुंजियाँ हैं, क्लैरिसा बोली। खैर हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी एक स्टेटमेंट टाइप किया जाएगा और आपको उस पर साइन करना होगा, इंस्पेक्टर बोला। क्लैरिसा कुछ बोलने वाली थी कि हॉल वाला डोर खुला और सर रोलैंड अंदर आया। सब ठीक तो है इंस्पेक्टर? उसने आते ही पूछा। इंस्पेक्टर के कुछ बोलने से पहले क्लैरिसा जल्दी से बोली, मैंने इंस्पेक्टर को सब सच बता दिया अंकल रॉली, और पुलिस सब स्टेटमेंट टाइप करने वाले हैं जिस पर मुझे साइन करना है। क्या बता दिया तुमने? सर रोलैंड परेशान होता हुआ बोला। यही कि मैंने हॉल की स्टिक से कॉस्टेलो के सर पर मारा, जिससे वो फौरन मर गया। मैं उसे बर्गलर समझ रही थी, क्लैरिसा बोली। क्या? सर रोलैंड हैरत से बोला, ये क्या कह रही हो तुम? मिसेज हेलशैम ब्राउन ने अपना पूरा स्टेटमेंट दे दिया है सर, इंस्पेक्टर सर रोलैंड से बोला। हाँ दिख रहा है मुझे, सर रोलैंड खुश तरीके से बोला। यही बेस्ट तरीका है था,
मैं इंस्पेक्टर से सॉरी हूँ कि मैं शुरू से इतना झूठ बोल रही थी, क्लैरिसा बोली। अब मिसेज हेलशैम ब्राउन, मैं आपको रिसेस में जाने के लिए नहीं कहूँगा, इंस्पेक्टर बोला, जहाँ बॉडी है, लेकिन आप मुझे उस प्लेस पर ठहर कर बताइए जहाँ आपने उस आदमी को इस रूम में देखा था, इंस्पेक्टर बोला। ओह अच्छा ठीक है, क्लैरिसा थोड़ा सा अंदर ही अंदर घबराते हुए बोली। फिर वो डेस्क की तरफ गई और उस पर झुककर देखते हुए बोली, ऐसे खड़ा हुआ था वो। आई सी, इंस्पेक्टर बोला, और पैनल खोलते ही आपको वो नज़र आया। ठीक है, अब आप पैनल के पास जाइए और जैसे ही मैं बोलूँ जोन्स पैनल खोल देना। ठीक है सर, जोन्स बुक शेल्फ की तरफ चला गया। क्लैरिसा डेस्क के पास से हटकर पैनल तक पहुंच गई, उसके साथ इंस्पेक्टर भी था। अब खोलो, इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया। जोन्स ने लेवर दबा दिया, पैनल खुलते ही सब हैरत से पीछे हट गए। वो खाली था, उसमें डेड बॉडी नहीं थी और सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। कांस्टेबल जल्दी से आगे बढ़कर चिट्ठी उठाकर पढ़ा। पिप्पा की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, तुम सब बेवकूफ़ हो। उसी वक्त ज़ोरदार आवाज़ में डोरबेल बजी। एल्गिन जल्दी से फ्रंट डोर खोलने गया। आने वाला डिविजनल सर्जन था। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी फ्रंट डोर तक पहुंच गए थे। बहुत मुश्किल से इंस्पेक्टर ने कहा, सर यहाँ जो डेड बॉडी थी वो अचानक कहीं गायब हो गई। डिविजनल सर्जन गुस्से से बोला, रियली इंस्पेक्टर, तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ बॉडी है या नहीं। तुम बहुत कुछ सुनने वाले हो हायर ऑफिशियल से इसके बारे में। मेरा यकीन करो डॉक्टर, यहाँ पर बॉडी थी जब हमने आपको फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर बोला। हाँ इंस्पेक्टर सही कह रहे हैं, कांस्टेबल जल्दी से बोला। डिविजनल सर्जन बोला, अगर बॉडी नहीं है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। वो गुस्से से दरवाज़ा धड़ से बंद करता हुआ चला गया। क्या पुलिस एक बार फिर क्लैरिसा और उसके दोस्तों के हाथों परेशान होने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए स्पाइडर्स वेब का नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ मिस्ट्रीज इन हिंदी और उर्दू ऑडियो बुक्स चैनल पर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।